जब कोई नारी या कोई पुरुष व्रत करता है, उपास करता है, उपास करता है, वो किसी भी देवता का उपास करे, शनिवार का करे, मंगलवार का करे, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, रविवार का करे, तीज का करे, चतुर्थी का करे, अष्टमी का करे, एकादशी का करे, प्रदोष करे, द्वादशी करे, पंचमी करे, तीज करे, छठ करे, नवरात्रे करे, चतुर्थी करे, कोई पुरुष या स्त्री या बच्चा कोई भी व्रत करता है, जिस दिन वो व्रत रखता है उस दिन उसके शरीर में कौन सी देवी का अंश आकर विराजमान हो जाता है जिससे वो व्रत सफल कर पाता है। बोलो रे भाई, कौन सी देवी का अंश आ जाता है जिससे उसका व्रत, किसी भी व्रत को करे, वो एकादशी करे, द्वादशी करे, प्रदोष करे, सोमवार करे, मंगलवार करे, बुधवार करे, नवरात्रे करे, तीज करे, चतुर्थी करे, छठ करे, प्रदोष करे, दिवाली करे, दशहरा करे, जो व्रत उसको करना है करे, मंगलवार करे, वो कौन सी देवी एक ऐसी होती है भगवान शंकर की, वो कौन सी एक माता एक देवी ऐसी है जो व्रत करने वाले की तप साधना में साथ देती है और उसकी तप साधना को बढ़ाने का काम करती है। वो केवल एक देवी है, शाकंभरी माता। कौन सी माता है? माता शाकंभरी। केवल एक है जो व्रत साधना तप आराधना करने वाले के साथ हमेशा साथ देने के लिए उसके हृदय में विराजमान होती है, उसके चित्त वृत्ति में बैठी रहती है। भजन का बल तप साधना। कितना सुंदर कहा है जो व्रत करता है ना, हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई कथा सुनने बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है, आपको जाना है, आपका शरीर का जरा सा अंश भी चलते समय दूसरे के शरीर को नहीं लगना चाहिए। शिव महापुराण में वर्णन आया है पितरों की तीन कन्याओं का, मेना, धन्या, कला, इन तीनों का वर्णन आया है। पितृलोक में ये तीनों आराम से रह रही थी और सनकादि ऋषि बैठ कर तप कर रहे थे, कथा की चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। पहले मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, एक के पीछे एक तीनों निकल कर गई, तीनों निकल कर गई। इनका शरीर का लहंगा संत सनकादि ऋषि के जंघा पर पड़ गया, क्रोध आ गया, ऐ मेना, धन्या, कला, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तीनों मृत्यु लोक में एक साधारण सी स्त्री बनोगी। तीनों बिलख रही हैं, तीनों रो रही हैं, तीनों की आंख में आंसू भरा हुआ। क्षमा कर दीजिए नाथ, क्षमा कर दीजिए। सनकादि ऋषियों ने कहा, जब कोई कथा सुनने के लिए बैठता है, सत्संग करने के लिए बैठता है, सदगुरु की शरणागति में बैठता है, मंदिर देवालय में बैठता है, भगवान के भजन में बैठता है, जितनी देर वो भगवान का गुणगान करने बैठता है, उतनी देर तक उसके हृदय में शाकंभरी माता का निवास होता है। शाकंभरी माता ऐसे अलग से नहीं रहती, जितनी देर वो तप साधना में, भजन में, संकीर्तन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा रहता है, उतनी देर तक शाकंभरी उसके अंदर रहती है। जब आपका शरीर जाते जाते उसको लात लगती है, शरीर का अंग लगता है, कोई सामान लगता है, शाकंभरी को क्रोध आता है और वो क्रोध उसके मुख से निकलकर तुम्हें श्रापित कर देता है। इसके फल अनुसार तुम्हें तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। चरणों में पड़ गई, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, तुम्हारा उद्धार मेना, तुम्हारे घर में पार्वती का जन्म होगा। धन्या, तुम सुनैना बनोगी, तुम्हारी गोद में माता सीता खेलेगी। कला, तुम कीर्ति बनोगी, तुम्हारी गोद में राधा खेलेगी। ये तीन देवियां जब तुम्हारी गोद में खेलेगी, जगत का कल्याण कर देगी। अमृत पीने वालों को क्या कहते हैं? देव। और विष पीने वालों को क्या कहते हैं? जम जम के बोलो जरा, महादेव। 33 कोटि देवता, सबसे ज्यादा बात किसकी मानते थे? जम के बोलो, महादेव। 1 सरल भाषा में समझना, पहली बार इस प्रसंग को लेकर आए, श्री राम
शिव महापुराण की कथा यह कंजरी में चल रही है, पहली बार यह प्रसंग आया है, तो ध्यान से सुनना जरा। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बैंक का कोई काम नहीं हो रहा है, विद्युत विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा नगर पालिका का कोई प्रशासन का कार्य नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करते हो? फाइल तो लेकर जाते हो, साथ में उस प्रशासन का कोई परिचित व्यक्ति जिसकी सब मानते हो, जिसकी सब सुनते हो, विधायक जी आप हमारे साथ चल चलोगे क्या? हमारा ये कार्य है आप कर लोगे क्या? महात्मा जी आप हमारे साथ चल चलोगे क्या? हमारा ये कार्य कर दोगे? मतलब आप उसको लेकर गए हो जिसकी बात कभी ना कटे, कभी ना कटे, आप उसको साथ लेकर जाओ, आप उसको लेकर पहुंचो। बबीता बेन जिसका प्रश्न है हालोल से, जिन्होंने सीहोर मैसेज करा है, बबीता बेन हालोल वाली, कि हम भगवान के पास में अपना काम करवाना है तो भगवान के पास जाएं तो हम क्या लेकर जाएं? जैसे कोई विधायक को ले जाता है, कोई अध्यक्ष को ले जाता है, कोई किसी को साथ ले जाता है तो प्रशासन का कार्य हो जाता है, हम किसको लेकर जाएं? अरे भाई हमारे सनातन धर्म में तो पहले से कहा गया है कि मंदिर जाओ तो श्री फल लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? श्री फल। श्री फल किसका प्रतीक है? अरे बोलो तो, जम के श्री फल किसका प्रतीक है? देव अधिदेव महादेव का। शंकर जी के भी तीन नेत्र हैं तो श्री फल में भी, आज जाकर श्रीफल की जटा को निकाल कर देखना, उसमें तीन नेत्र मिलेंगे। शिव जी की भी जटा है तो श्रीफल की भी जटा है। शंकर भगवान को कहते हैं कर्पूर गौरम कर्णाव तारम। शंकर भगवान का बाहर का स्वरूप देखोगे तो कठोर मिलेगा, भीतर से मेरा महादेव सबके लिए अमृत देकर विष पीने वाला बेटा है, वो सबके लिए निर्मल है, इसलिए श्रीफल भी ऊपर से कठोर अंदर से नर्म है। उसको कहते हैं महामृत्युंजय, रोग को हरने वाला। तो श्रीफल का पानी, नारियल का पानी भी रोग का हरण करता है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम कहा जाता है। शिव के तीन नेत्र हैं, श्रीफल के तीन नेत्र, शंकर की जटा है, श्रीफल की जटा है। क्यों हनुमान मंदिर में, क्यों राम मंदिर में, क्यों शिव मंदिर में, क्यों सारे देवी देवता के मंदिर में, संपूर्ण देवता के मंदिर में, विवाह में, शादी में, उद्यापन में, मंडप में, आदि कादि, जन्म से लेकर मरता है, मुर्दे को भी लेकर जाते हैं तो शमशान में भी श्रीफल जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है क्योंकि वो शंकर है, तुम्हारे जन्म से लेकर मरे तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है, तुम्हारे साथ रहे। किसी गुरु को बुलाना है श्रीफल दे देते हैं, किसी से काम निकालना है श्रीफल दे देते हैं, किसी का सम्मान करना है श्रीफल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जब उसके हाथ में पहुंचता है, शिव उसके करीब में पहुंचता है, शंकर जब उस मंदिर में पहुंचता है, हम राम जी के मंदिर पहुंचे, हनुमान जी के मंदिर पहुंचे, देवी जी के मंदिर पहुंचे, देवता के मंदिर पहुंचे, हम नरियल ले गए, श्रीफल ले गए, श्रीफल ले जाकर हमने जब दिया तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा महादेव आ गया है, इसकी पहचान बहुत ऊपर है, इसकी फाइल निपटाना पड़ेगा, मेरा महादेव आया है, इसकी फाइल निपटाना पड़ेगी। लोग कहते हैं उसने एक श्रीफल दिया काम नहीं पड़ गया, क्योंकि वो श्रीफल नहीं है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसको पहचान नहीं है लोगों को, बस कह दिया नरियल है श्रीफल है। शंकर जी के मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ कौन कौन जाता है, जरा सब जाते हो? रख लो रख लो रख लो, वापिस रख लो रख लो। शिव जी के मंदिर जाते हो? घर से जल लेकर जाते हो? हाथ उठाओ कौन कौन ले जाता है? सभी लोग ले जा रहे हो ना? हाँ बहुत जरूरी है घर से लेकर जाना। क्यों लेकर जाना? क्योंकि घर में 10 तरह के लोग रहते हैं, 10 तरह के विचार होते हैं, 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह का क्रम होता है। जब हम घर से एक लोटा जल देव अधिदेव महादेव को चढ़ाना